हेलो, दिस इज़ काशिफ याकूब। आज मैं जो बुक आपसे डिस्कस करूँगा दैट इज़ 0 to 1। 0 to 1 एक ऐसी किताब है जो कि नोट्स हैं ऑन स्टार्टअप्स, नोट्स ऑन स्टार्टअप्स बाय पीटर थेल। इट्स बेसिकली द क्लास नोट्स टेकन बाय हिज स्टूडेंट ब्लैक मास्टर्स। ब्लैक मास्टर्स ने क्लास के दौरान पीटर थेल के क्लास नोट्स लिए, जिसको बाद में बुक की शेप दी गई। पीटर थेल कौन है? पीटर थेल इज अ को फाउंडर ऑफ पेपॉल। सबने नाम सुना होगा पेपॉल का, और ही इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स। सो पीटर थेल अपनी इस बुक में सजेस्ट करता है कि एक एंटरप्रेन्योर को एक नई प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करनी चाहिए, ना कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपीट करे। पीटर थेल अपने अपने रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो बड़ा सोचे, टू थिंक बिग। व्हाई? बिकॉज थिंकिंग इज द बेसिक बेसिक क्राइटेरिया। व्हेन यू थिंक बिग, यू कैन डू बिग। देखिए, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। सबसे पहले सोचना जरूरी है। वट एवर यू वॉन्ट टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, वट यू वॉन्ट टू बी लाइक। सो पीटर थेल भी यही कहता है, टू थिंक बिग एंड स्ट्राइव फॉर 0 to 1 रादर देन गोइंग फॉर 1 to n। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट पीटर थेल इज यूजिंग। यू शुड गो फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, राइट? पीटर थेल अपनी किताब में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देता है, जिसमें से एक ये भी है कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग चेंज होगी अबाउट मोनोपोली एंड कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर सेम, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एंड ऑल अनहैप्पी फैमिलीज आर अनहैप्पी इन द सेम वे, बट द बिजनेस कॉन्सेप्ट इज एंटायरली डिफरेंट। बिजनेस में ऑल हैप्पी कंपनीज और ऑल सक्सेसफुल कंपनीज आर डिफरेंट बिकॉज दे आर एड्रेसिंग सम स्पेसिफिक यूनिक नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग देयर ओन मोनोपोली इन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव क्रिएटेड समथिंग डिफरेंट। और अगर हम उसी में अनसक्सेसफुल कंपनीज को देखें, तो ऑल अनसक्सेसफुल कंपनीज आर सेम इन अ वे दैट दे ऑल फेल टू बीट द कंपटीशन, दे ऑल फेल टू क्रॉस द कंपटीशन, दे ऑल फेल टू क्रिएट समथिंग न्यू, दे ऑल फेल टू क्रिएट समथिंग यूनिक फॉर द यूनिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। इसके अलावा इस किताब में जिन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है वो हैं, हाउ टू फॉर्म अ सक्सेसफुल टीम, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक समथिंग डिफरेंट, हाउ टू बी अ यूनिक इन बिजनेस, एंड हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल कंपनी कल्चर दैट विल लीड टू अ सक्सेसफुल कंपनी एंड दैट विल लीड टू अ सक्सेसफुल फ्यूचर ऑफ द कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जिस तरह अभी हमने बहुत सारी बातें की कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, दिस बुक विल चेंज योर थिंकिंग। दिस बुक विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द थिंकिंग टू गो बियॉन्ड, टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर कैरियर, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड मेक एंड ग्रो इन बिजनेस स्टार्टअप्स, यू शुड रीड दिस बुक। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि हर एक को ये किताब पढ़नी चाहिए बिकॉज दिस इज द बेसिक बुक। और इस किताब में इंग्लिश भी इतनी नॉर्मल यूज की गई है कि एवरीबडी हु स्टार्ट रीडिंग इट, ही और शी कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू यू नो बिफोर कंप्लीटिंग दिस बुक। सो आई विल सजेस्ट टू रीड दिस बुक एंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग अप। थैंक यू।
नेक्स्ट वीक विल कम अप विद द नेक्स्ट बुक. थैंक यू.